ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, अलग अलग टाइप के जो फॉर्म्स होते हैं वाटर के, वो हम इस बार लर्न कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली जो वाटर डांस पार्ट वन है उसमें ऑलरेडी हमने 4 to 5 जो फॉर्म्स थे वाटर के वो डिफरेंट डिफरेंट देखे थे। नाउ कंटिन्यूसली हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन थाउजेंड ऑफ शेप आई अपीयर हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, आई फ्लोट, आई ड्रिफ्ट, आई एम द क्लाउड। ऑफ कोर्स अगेन वाटर डांस पार्ट टू में एक और फॉर्म्स ऐड हुआ, वो क्या है? क्लाउड का। क्लाउड क्या है? तो क्लाउड हमेशा स्काई में आपको जो देखने मिलता है, क्लाउड का एक अनदर वे हमने पार्ट वन में भी देखा था इन द मिस्ट, ये मिस्ट के जैसा ही है। क्लाउड थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है, बड़ा क्यों होता है? एंड क्लाउड से हमेशा रेन होती है, वाटर से फिल्ड जो होता है एवरी टाइम उसको हम क्लाउड कहते हैं। तो वो जो क्लाउड वाटर से फिल्ड होता है वो क्लाउड होता है, और जो नॉर्मल शेप्स में होते हैं वो मिस्ट होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों वाटर के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो जो क्लाउड्स है वो थाउजेंड ऑफ शेप में आपको दिखाई देता है। क्लाउड्स कभी भी सेम शेप में नहीं होता है, समटाइम इट अपीयर और समटाइम इट डिसअपीयर, फ्लॉट होता है, ड्रिफ्ट होता है, इसीलिए क्लाउड हमेशा रन मूव ऑन करता रहता है। द नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर कैरी बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंसेस आई मूव ग्रोइंग हैवियर डार्कर एंड द ग्रीनरी, ये क्या हो सकता है? विच फॉर्म्स ऑफ वाटर दिस इज? विंड की हेल्प से जो कैरिड होता है रन करता है, देन आफ्टर वो अपने आप के जो अपना जो शेप होता है उसको बढ़ाता रहता है, एंड जब वो जाता है तो विंड की हेल्प से वो कैरिड होके जाता है, लेकिन जब वो रिटर्न होता है तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट फॉर्म में आ जाता है एंड डार्कर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फ्रंट। स्ट्रॉन्ग फ्रंट जो डार्क फॉर्म में होता है वायलेंट होकर आता है, एंड मॉनसून सीजन में रेन से पहले ये सारी चीजें जो वाटर के जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो थोड़े बहुत हमें दिखाई देते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रंट मोस्टली सीज और ओशियंस के नियर बी बैंक्स पर ही दिखाई देता है ज्यादातर। नेक्स्ट अगेन न्यू फॉर्म्स ऑफ वाटर, एट द वॉल ऑफ माउंटेन आई राइज अप एट ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर्स इन द डार्क एंड स्काई आई एम द थंडर हेड। थंडर हेड के बारे में बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। थंडर हेड क्या होता है? टावर की तरह वो जो क्लाउड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा क्लाउड अर्थ के ऊपर टच कर रहा है और सीधा हमारे डायरेक्शन में आ रहा है। तो उसका जो वायलेंट फॉर्म होता है विंड के साथ वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और काफी डार्केंड दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ उसमें डस्ट, सॉइल, ये सारा पैम्बल्स ये सब उसमें मिक्स हो जाता है, एंड विंड का उसमें इतना ज्यादा फोर्स होता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में दिखाई देता है। तो वो होता है हमारा थंडर हेड। थंडर हेड जो है वो माउंटेन की हेल्प से निकलता है, उनकी वॉल में से बाहर निकलता है, एंड जनरली ये भी विंड की हेल्प से ही मूव करता है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर आई ब्लिंक इन द स्काई विद द लाइटिंग द अर्थ टेम्पल विथ माय थंडर आई रेड आई टच द माउंटेन साइड आई एम द स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड? स्ट्रॉन्ग क्या है? तो स्ट्रॉन्ग मीन थंडर हेड के जैसा ही है, बट उसमें क्या होता है कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। रेज मीन स्प्रेड हो जाना बहुत जल्दी से। तो स्ट्रॉन्ग भी वाटर थंडर हेड के जैसा ही वाटर का एक और फॉर्म है, जो कि ब्लिंक जब स्काई में होता है तब स्काई को टोटली वो ब्लाइंड कर देता है। सो कॉल दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आई ब्लाइंड इन द स्काई विद द लाइटिंग, पूरी तरह से लाइटनिंग से भर देता है स्काई को। दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग। In this poem, we are continuing forms of water. First forms of water is the clouds, the second is stream front, the third is thunderhead, and fourth one is storm. Now, the fifth forms of water. It is almost everyone's favorite forms of water because you all are seeing already. It is rainbow, yes. Storm comes, storm pass. I am countless droplet of rain. That floating in the silent air, I reflect all the colors of sunlight. That means I am rainbow. Rainbow क्या है? बहुत सारे droplets जो होते हैं. That means countless droplets, जिसको आप count नहीं कर सकते, numerous होते हैं. इतने droplets को collect करके बनने वाला होता है. हमेशा से sun के जितने भी colors हैं उसको reflect करता है. That's why हमें monsoon season में sky में rainbow दिखाई देता है. Generally हम उसको 7 color में divide करते हैं, but rainbow और भी बहुत सारे colors का reflection करता है, जो कि हम उसको clarify नहीं कर सकते. But इस water dance poem में आपको waters के बहुत different different parts जो forms हैं वो देखने को मिले.
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स वो बहुत सारे हैं, इसीलिए वाटर को अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं।